नमस्कार। इस वक्त एक बेहद दुखद और बेहद गंभीर खबर आ रही है मुंबई से। दक्षिण मुंबई के सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन के पास एक फुट ओवर ब्रिज गिरा है। इस फुट ओवर ब्रिज के गिरने से कई लोगों के घायल होने की खबर है। कुछ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो लोगों के मरने की भी खबरें अभी तक आ रही हैं, हालांकि ये खबरें अभी तक पुष्ट नहीं हैं। घायलों का आंकड़ा 20 से 22, 23 अलग अलग आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो सीएसटी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 को लगता हुआ एक फुट ओवर ब्रिज था। वो जो मेन रोड से लोग जिनको प्लेटफॉर्म पर जाना होता था उस फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते थे। लोहे का बना हुआ ब्रिज था, उस ब्रिज का निचला हिस्सा टूट गया। वो जब टूट के गिरा तो नीचे जो गाड़ियां खड़ी थी और उस वक्त वहां जो लोग मौजूद थे वो इसकी चपेट में आ गए। ये ब्रिज बीएमसी का बताया जा रहा है। इस वक्त टीवी की स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आज तक की 3 विंडो स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। जो पहली इस तरफ आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये गाड़ियां इस तरह से टूटी हुई हैं। ये स्पॉट की खबरें तस्वीरें हैं। लोग उसके बाद वहां बचाने के लिए किस तरह से जुटे हुए हैं, जो लोग दब गए उनको निकालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। दाएं साइड में दो अलग अलग जगहों पर आपको दिख रहे होंगे वीडियोस। उन वीडियोस में उसके बाद उस हादसे के बाद की भगदड़ की तस्वीरें हैं। लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद स्पॉट पर एम्बुलेंसेस आ गई हैं, पुलिस वहां मौजूद है। खबरें आ रही हैं कि NDRF यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम्स भी वहाँ मौजूद हैं। वर्दी में हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, कुछ हमें विजुअल्स भी दिख रहे हैं। जो विजुअल्स बहुत डराने वाले हैं, उसमें लोग ज़मीन पर पड़े हुए हैं, जाहिर है टीवी स्क्रीन पर वो विजुअल्स नहीं दिखा सकते। मेरे साथ अनिरुद्ध हैं। अनिरुद्ध, आप शायद मुंबई में रहे भी हैं और आपको उस इलाके की जानकारी है। दक्षिण मुंबई का इलाका है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। ये साउथ मुंबई का इलाका है और इस वक्त चूंकि ऑफिस से लोग छूटते हैं, साउथ मुंबई में ज्यादातर बड़े बड़े ऑफिस दफ्तर हैं और नॉर्थ की तरफ मुंबई में लोगों की बसावट ज्यादा है। लोग नौकरी करने के लिए साउथ मुंबई की तरफ जाते हैं और शाम को जब काम खत्म हो जाता है, दफ्तर खत्म हो जाता है उनका, उसके बाद अपने अपने गंतव्य के लिए, घरों के लिए निकलते हैं। ऐसे वक्त में इस स्टेशन पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वैसे भी इस स्टेशन की ये है कि लोग एक दूसरे के तस्वीरें भी दिखाते रहे, एक दूसरे की पीठ से बिल्कुल अपना सिर टिका के हाथ फैलाने तक की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ में लोग सफर करते हैं। मुंबई के बारे में ये कहा जाता है और ये दक्षिण मुंबई का इलाका है। मैं चाहूंगा क्या मैप से दिखा सकते हैं? मैं इसको थोड़ा सा आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो स्टेशन है जहाँ पे ये हादसा हुआ है और ये मुंबई का बिल्कुल दक्षिणी सिरा है, दक्षिणी पॉइंट है। ये देखिए मुंबई चर्च गेट दिखा रहे हैं, चर्च गेट से ये मुंबई सीएसटी स्टेशन है। इसके ऊपर के इलाके जितने वहां से सब लोग चल करके आते हैं, यहाँ से लोग चलना शुरू करते हैं, सुबह आते हैं इस तरह नौकरी करने के लिए और उसके बाद शाम को अपना काम खत्म करने के लिए वापस पश्चिम और नॉर्थ मुंबई की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो इस समय वहाँ स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो इसकी वजह से ही ये आशंका है कि जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है। इसके अलावा एक चीज मैं और कहूंगा कि ये बिल्डिंग ने अभी पिछले साल मई में 2018 में 130 साल पूरे किए हैं इस स्टेशन ने। जाहिर सी बात है अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ स्टेशन और उनकी जो भी बनावट बसावट रही है वो उस जमाने के हिसाब से रही थी, सारे फुट ओवर ब्रिज या जो भी निर्माण हुए उस समय, तो उनको आज की तारीख के हिसाब से वो अपने आप को सक्षम नहीं पाते होंगे। तो जाहिर सी बात है उस इस तरह के हादसे उन्हीं की कमजोरियां या देखरेख के अभाव में सामने आते हैं। सेंट जॉर्ज और जीटी अस्पताल, दो अस्पतालों के नाम आ रहे हैं जहां घायलों को ले जाया जा रहा है। हम जानकारी ये मिली कि ये जो फुट ओवर ब्रिज था वो बीएमसी का था और मुंबई में इस तरह के हादसों का इतिहास पुराना रहा है। बीएमसी पर बार बार आरोप लगता रहा है कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स जाती हैं कि उनके पास जो भी ब्रिज हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, वो पहले के हिसाब से उस हिसाब से बने हुए हैं जिस हिसाब से उस वक्त की पॉपुलेशन थी। अब पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, उस पर लोड कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है, उनकी और मजबूती भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए।
वो बीएमसी नहीं कर पाती है। ऐसे आरोप बार बार बीएमसी पर लगते रहे। बीएमसी कहती रही कि हम इसको सुधार रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं। रजत मेरे साथ हैं। जब ये खबर आई तो सबके दिमाग में ये बात निकली कि मुंबई का तो फुट ओवर ब्रिज गिरने का इतिहास काला रहा है ना। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, ये पहले ही मुंबई में हादसे होते रहे। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले एल्फिंस्टन के अंदर एक ब्रिज गिरा था। उस ब्रिज में काफ़ी लोगों की जान गई थी, इंजर्ड हुए थे। उस समय काफ़ी इस बात पे सवाल उठाए गए कि क्यों, किसकी पर यहाँ पे लापरवाही है, स्टेट की लापरवाही है या बीएमसी की लापरवाही है, गलती किसकी है। तो जो एल्फिंस्टन का हादसा हुआ था, वो 29 सितंबर 2017 को तकरीबन पौने 2 साल पहले आज से हुआ था। और इस हादसे में 23 लोगों की जान गई थी और घायलों की संख्या तकरीबन 50 के आसपास थी। उसके पहले भी 2012-13 के आसपास भी जब मेट्रो की कंस्ट्रक्शन वहां पे चल रही थी, उस समय मेट्रो के ब्रिज भी कोलैप्स हुए थे। आए दिन छोटे मोटे हादसे हम देखते रहते हैं। जो भी वहां की लोकल ट्रेन है उसके कितने बुरे सिचुएशन है वहां पे लोकल ट्रेन में सफर करने वालों की, तो वहां पे भी हादसे हम देखते रहे हैं। कई बार हुआ है कि रेलवे ने भी गाइडलाइन जारी की है कि इस तरह जो खतरे में है वो सफर ना करेंगे, लेकिन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें खतरे के साथ खतरा मोल लेते हुए ऐसे ब्रिज का सहारा लेना पड़ता है। फिर से तस्वीरों की तरफ चलते हैं। मुंबई से एक बार फिर आपको खबर बताऊं कि मुंबई के सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है उसके पास एक हादसा हुआ है। हादसे में कुछ लोगों के मारे जाने की, कुछ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की और कुछ लोगों के घायल होने की खबरें हैं। हम कुछ लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग आंकड़ा दे रही हैं। कुछ चैनल्स के हिसाब से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कुछ के हिसाब से 2 की हो चुकी है, कुछ के हिसाब से 4, 5, 6, 7 लोग गंभीर हालत में हैं। लेकिन हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि बेहद गंभीर हादसा है। वहाँ की तस्वीरें जो आ रही हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि बहुत लोग घायल हुए हैं और ये मौत का आंकड़ा, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये बढ़ सकता है। एक फुट ओवर ब्रिज था, पुराना फुट ओवर ब्रिज मुंबई सीएसटी को जोड़ने वाला, उसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास का एक पुराना फुट ओवर ब्रिज जो लोहे का बना हुआ था, बीएमसी का था, ब्रांड मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। वो ब्रिज टूट गया है। उसके टूटने से, उसकी जद में आने से, उसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। उसके साथ ही वहां पर जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो उसकी चपेट में आए हैं। अनिरुद्ध, आपके पास कुछ अपडेट है मुझे लगता है इसमें? एक चीज़ ये कहनी चाहिए हमको, क्लियर करनी चाहिए कि इस स्टेशन में करीब 18 प्लेटफार्म है और सबको जोड़ने के लिए फुट ओवर ब्रिज बने हुए। इन ओवर ब्रिज को जोड़ने के लिए जो रेलवे से बाहर की जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो बीएमसी कराती है। वो फुट ओवर ब्रिज गिरा है, ये रेलवे का नहीं है। ये बात जो बार बार आती की कि ये बीएमसी का है कि रेलवे का है, ये ब्रिज जो है ये बीएमसी का है जो कि रेलवे के प्लेटफार्म से या रेलवे के फुट ओवर ब्रिज से इसको जोड़ता है मुंबई के बाहर के इलाके को। ये उसी बीएमसी का है जिसका बजट सालाना जो है कई राज्यों से ज्यादा का बजट होता है ना। मुंबई को बीएमसी का राज मतलब कई राज्यों के राज से भी बड़ा राज माना जाता है, बजट बड़ा होता है काफी। इस वक्त शिवसेना और बीजेपी मिलकर के बीएमसी को चला रही है। तस्वीरें फिर से उसी स्पॉट से हम लेकर चलते हैं। पीआर और रेलवे के बोल रहे हैं आज तक पर, सुनाते हैं। जो लोग थे और उनको घायलों को अस्पताल ले जाने में उनकी मदद की है, जो हमारे आरपीएफ के लोग थे उन्होंने पहुंच के मदद की है। सर, कोई ऐसा नंबर है जिस पर संपर्क किया जा सके, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे होंगे, उनके रिश्तेदार या उनके जानने वाले रोज इसी रास्ते से गुजरते होंगे, उनके बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो तो किस नंबर पर कांटेक्ट किया जा सकता है? कोई ऐसा नंबर आप दे सकते हैं? आप इसमें बीएमसी का डिजास्टर सेल है, वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही सर एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, ये जो कनेक्टिविटी है इस फुट ओवर ब्रिज की, सड़क एक तरफ से दूसरी तरफ, कितने साल पुराना होगा ये ब्रिज? देखिए, ये रेलवे एरिया के बाहर का ब्रिज है सर, फिर भी आप उस जगह पर रहते हैं, आप कितने साल से मुंबई में रहते होंगे, आपको जानकारी तो होगी ना सर इस ब्रिज के बारे में? नहीं, ये काफी पुराना है पर इसकी मेंटेनेंस लगातार करता होगा बीएमसी। तो ये खबर मुंबई से रेलवे की तरफ से अपनी तरफ की सफाई दी जा रही है कि ये उनका ब्रिज नहीं था, बीएमसी का ब्रिज था, सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने वाला ब्रिज। दक्षिण के सीएसटी के पास एक फुट ओवर ब्रिज हादसा हुआ है, फुट ओवर ब्रिज टूट कर गिरा है, कुछ लोगों के मारे जाने की और बहुत सारे लोगों के घायल होने की खबर है। ये अपडेट है और इससे जुड़ी हुई सारी खबरें हम आगे भी करते रहेंगे। जो जो भी अपडेट्स होंगे आप वो हमारी वेबसाइट के जरिए आप तक मिलते रहेंगे। शुक्रिया।